أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہم لوگوں نے سٹارٹ کیا تھا سی وی ایس کارڈیو واسکولر سسٹم کارڈیو واسکولر سسٹم میں دو ٹاپک ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا ایک جو ہے یہ ٹاپک ڈسکس کیا تھا ہارٹ کے بارے میں اور دوسرا جو ہے کل ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا سرکولیشن کے بارے میں آج جو تھرڈ ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے بلڈ ویسلز ब्लड विसल्स के बारे में थोड़ा सा जो है बताते हैं थोड़ा सा जो है डिस्कशन करते हैं ब्लड विसल्स के बारे में ब्लड विसल्स जो है बॉडी के अंदर जो है थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड विसल्स आते हैं एक आर्टरी से एक वेन है और एक कैपिलरी से ये आर्टरी वेन और कैपिलरी सारे बॉडी के अंदर सर्कुलेशन करते हैं बस ऐसे ब्लड है जो आर्टरीज के जरिए जाते हैं بعض ایسے بلڈ ہے جو وینز کے ذریعے جاتے ہیں اور بعض ایسے بلڈ ہے جو کیپلریز کے ذریعے جاتے ہیں تو آرٹریز وین اور کیپلریز میں کیا کیا ڈیفرنس ہے سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں آرٹریز کہ واٹ از آرٹری آرٹریز کون سی جو ہے بلڈ ویسلز ہے آرٹریز کی ڈیفینیشن یہ سے ہے کہ دوز بلڈ ویسلز یہاں پہ لکھے ہیں کہ دوز بلڈ ویسلز which carry blood away from the heart body کے اندر ہر ایک وہ blood vessels جو blood heart سے away لے کے جاتے ہیں جو carry کرتے ہیں blood away from the heart heart سے جو blood لیتے ہیں اور کئی اور جگہ میں جاتے ہیں اس blood vessels کو ہم لوگ کہتے ہیں artery دوسرا definition ہم لوگ اس طرح کرتے ہیں के दोस ब्लड विसल्स विच कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ब्लड विसल्स जिसमें जो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं उस ब्लड विसल्स को कहते हैं आर्टरीज लेकिन अब बॉडी के अंदर एक ऐसी आर्टरीज है जिसमें जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होते हैं उस आर्टरीज का नाम क्या है उस आर्टरी का नाम है पल्मोनरी आर्टरीज तो यहां पे हम लोग डेफिनेशन किस तरह करेंगे कि दोस ब्लड विसल्स which contain oxygenated blood except pulmonary arteries except pulmonary arteries एक ऐसे आर्टरी है जिसमें जो ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं और उस आर्टरी का नाम क्या है पल्मोनरी आर्टरी यहां पे देखिए यहां पे जो हार्ट स्ट्रक्चर जो है हम लोगों ने ड्रॉ किया है कि राइट एट्रियम में लेफ्ट एट्रियम में लेफ्ट राइट वेंट्रिकल है लेफ्ट वेंट्रिकल है सही है इस राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड जाते हैं कौन से ब्लड जाते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाते हैं लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाते हैं लंग्स में एक विसल से उस विसल के जरिए जो ये ब्लड जाते हैं एक विसल से उस विसल के जरिए ये ब्लड जाते हैं हम लोग वेन की डिफिनेशन इस तरह करते हैं कि दोस ब्लड विसल्स व्हिच कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसको विसल्स को हम लोग कहते हैं वेन सही यहां पे जो है एक विसल्स है जिसमें जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद है उसको हम लोग आर्टरी कहते हैं पल्मोनरी आर्टरीज हम लोग उसको कहते हैं तो व्हाई दिस इज नोन एज पल्मोनरी आर्टरीज बिकॉज़ यहां पे हम लोग डेफिनेशन करते हैं आर्टरीज के दोस ब्लड विसल्स व्हिच कैरी ब्लड अवे व्हिच कैरी ब्लड क्या अवे अवे फ्रॉम द हार्ट अवे From the heart, हर एक वो ब्लड विसल्स जो ब्लड जो है यहाँ हार्ट से लेते हैं और कई और जगह में जाते हैं हर एक वो ब्लड विसल्स को हम लोग आर्टरीज कहते हैं उस ब्लड विसल्स को हम लोग क्या कहते हैं आर्टरीज कहते हैं तो क्लियर हो गया कि पल्मोनरी आर्टरीज जो है हार्ट से जो है ब्लड लेते हैं और जाते हैं लंग्स में तो अवे फ्रॉम द हार्ट जो है ब्लड ट्रांसपोर्ट करते हैं इसलिए इसको क्या कहते हैं पल्मोनरी आर्टरीज इसको कहते हैं इसलिए इसको क्या कहते हैं पल्मोनरी आर्टरीज इसको कहते हैं क्लियर हो गया अच्छा जी ये है पल्मोनरी आर्टरीज दूसरे को देखें दूसरे एग्जांपल को देखो यहां पे जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है ब्लड जाते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल जब कंट्रैक्ट हो जाएगी तो ये पंप हो जाएगी तो पंपिंग के दौरान जो है ये ब्लड ट्रांसपोर्ट करते हैं इनटू एओर्टा में ये ब्लड किसको देते हैं एओर्टा के जरिए सारे बॉडी में जो स्प्रेड करते हैं तो एओर्टा के जरिए ब्लड जाते हैं
से एओर्टा के जरिए ब्लड जाते तो इसको क्यों जो आर्टरी कहते हैं, क्योंकि ये भी जो ब्लड लेते हैं यहां हार्ट से, हार्ट से ब्लड लेते हैं और सारे बॉडी में जो स्प्रेड करते हैं। दूसरा हम लोगों ने डेफिनेशन क्या किया, दोस ब्लड विसेस व्हिच कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी तो क्लियर हो गया। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पे एओर्टा में जो ब्लड जाते हैं वो सारा ऑक्सीजनेटेड होते हैं, वो सारा क्या होते ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आर्टरीज में जाते हैं, लेकिन एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरी के कांसेप्ट में आप लोगों को क्लियर किया। अच्छा जी, सेकंड वन है वेन, के व्हाट इज वेन, वेन की डेफिनेशन किस तरह है कि दोस ब्लड विसेस, दोस ब्लड विसेस व्हिच ब्रिंग ब्लड बैक टू द हार्ट, हर एक वो ब्लड विसेस जो ब्रिंग ब्लड बैक टू द हार्ट, हर एक वो ब्लड विसेस जो वापस हार्ट की तरफ जो ब्लड लाते हैं उस ब्लड विसेस को हम लोग कहते हैं वेन्स, उसको हम लोग क्या कहते हैं वेन्स कहते हैं। तो हर एक वो ब्लड विसेस जो हार्ट की तरफ जो ब्लड लाते हैं, चाहे वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो चाहे वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो, उस विसेस को हम लोग कहते हैं वेन्स, सही है। दूसरा डेफिनेशन, ब्लड विसेस व्हिच कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हर एक वो ब्लड विसेस जिसमें जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद हो उसको हम लोग कहते हैं वेन्स, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन में जो कौन से ब्लड होते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, पल्मोनरी वेन में कौन से ब्लड होते हैं, पल्मोनरी वेन में जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं। ये वो वेन है, एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि एक वेन है बॉडी में जिसमें जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद है वो कौन सी वेन है, तो पल्मोनरी वेन है। एक वेन है जिस एक आर्टरी से जिसमें जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद है उस आर्टरी का नाम क्या है, पल्मोनरी आर्टरी, वो कौन सी आर्टरी है पल्मोनरी आर्टरी से, तो ये पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद है और पल्मोनरी वेन में जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद है। व्हाई दिस इज नोन एज पल्मोनरी वेन, वेन इसको क्यों कहते हैं, बिकॉज इस इट ब्रिंग ब्लड बैक टू द हार्ट, इस विशेष का काम ये है कि लंग से जो ब्लड लेते हैं और हार्ट की तरफ जाते हैं, यहां लंग से जो ब्लड कलेक्ट करते हैं और कहां पे ट्रांसपोर्ट करते हैं, हार्ट की तरफ ट्रांसपोर्ट करते हैं, जो ब्लड विसेस हार्ट की तरफ जो ब्लड लाते हैं व्हिच इज नोन एज वेन, उसको क्या कहते हैं वेन कहते हैं। तो वेन भी क्लियर हो गया। थर्ड वन है कैपिलरीज, कैपिलरीज कौन से ब्लड विसेस को कहते हैं, कैपिलरीज ये माइक्रोस्कोपिक विसेस व्हिच कनेक्ट आर्टरियोल्स एंड वेन्यूल्स, माइक्रोस्कोपिक विसेस छोटे छोटे विसेस है, स्मॉल विसेस व्हिच कनेक्ट, व्हिच क्या व्हिच कनेक्ट आर्टरियोल्स एंड वेन्यूल्स, जो आर्टरियोल्स और वेन्यूल्स दोनों जो है क्या करते हैं कनेक्ट करते हैं, सही है। यहां पे देखते हैं एग्जांपल को, हार्ट से जो है एओर्टा के जरिए सारे बॉडी में ब्लड स्प्रेड हो जाते हैं, हार्ट से जो है ब्लड स्प्रेड हो गया, सही है, एओर्टा के जरिए ब्लड निकल गया, जगह जगह में जो तकसीम हो गया, जगह जगह में तकसीम हो गया, सारे बॉडी में स्प्रेड हो गया, हर एक ऑर्गन ने जो एक्सेप्ट किया, हर एक ऑर्गन तक जो ब्लड चला गया, हर एक ऑर्गन में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया, वहां पे जब चला गया तो वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब कंज्यूम हो गया, यूज हो गया, वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वापस कन्वर्ट हो गया इनटू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस जाते हार्ट की तरफ तो किस तरह जाएगी, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कैपिलरीज के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज में आते, आर्टरीज के बाद जो है फिर ये डिवाइड आर्टरीज जो आगे जो है डिवाइड हो जाते इनटू आर्टरियोल्स में, और वही आर्टरियोल्स जो है फिर स्मॉल स्मॉल विसेस उससे निकलते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कैपिलरीज, उसको हम लोग क्या कहते हैं कैपिलरीज कहते हैं। तो वही जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंज्यूम हुआ है वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब वापस जो वेन की तरफ जाते हैं तो किसके थ्रू जाएंगे, ये जो माइक्रोस्कोपिक विसेस है कैपिलरीज है, इस माइक्रोस्कोपिक विसेस का काम ये है कि आर्टरियोल्स और वेन्यूल्स कनेक्ट करते हैं। लास्ट पॉइंट ऑफ द आर्टरीज एंड स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द वेन जो ये दोनों कनेक्ट करते हैं, ये क्या करते हैं दोनों कनेक्ट करते हैं, ये दोनों जब कनेक्ट हो जाएगी तो यहां पे जो ब्लड यूज हो गया, जो ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस कन्वर्ट हो गया इनटू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस कैपिलरीज के थ्रू जो वेन्यूल्स में आ गया,
वेन्यूल्स भी आ गया, ये हो गया वेन्यूल्स, ये आ गया वेन्स, वेन्यूल्स आ गया। इस वेन्यूल से जो ये फिर जाते वेन में, ये वेन में जाते हैं और वेन के थ्रू जो है फिर इंफीरियर वेन आ गया आईवीसी एंड एसवीसी, आईवीसी एंड एसवीसी के थ्रू जो है फिर जाते राइट एट्रियम में जाते हैं। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है यूज हो गया बॉडी में कैपिलरीज के थ्रू जो वापस वेन्यूल्स में जो चला गया, वेन्यूल से आगे वेन में चला गया, वेन से आगे इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा में चला गया, इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा जो कहां पे ड्रेन करते हैं राइट एट्रियम में जो वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डालते हैं। तो दोस ब्लड वेसल्स व्हिच ब्रिंग ब्लड बैक टू द हार्ट इज कॉल्ड वेन्स, दोस ब्लड वेसल्स व्हिच कैरी अवे फ्रॉम द हार्ट, व्हिच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से जो अवे जो ब्लड लेके जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं आर्टरीज कहते हैं। Those blood vessels which connect arterioles and venules, which connect arterioles and venules, उस arterioles और venules जो microscopic vessels connect करते, which is called, उसको क्या कहते हैं capillaries कहते हैं, उसको capillaries कहते हैं। तो आज वाला टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया, ये वाला जो है जो टॉपिक था वो ब्लड वेसल्स के बारे, ब्लड वेसल्स के बारे में था। कल हम लोगों ने पढ़ा था जो है सर्कुलेशन, और इससे पहले हम लोगों ने ये सीबीएस की इंट्रोडक्शन और साथ में जो हार्ट के बारे में भी पढ़ा था। इंशाल्लाह कल जो है नेक्स्ट टॉपिक होगी ब्लड वेसल सीबीएस में नेक्स्ट टॉपिक होगी, और इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट जिससे जो है इसके बाद जो फिर हम लोग खत्म करेंगे। अब आज तक जो है जितना भी टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा है सीबीएस में, अगर आप लोगों की कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग जो है कमेंट्स के जरिए जो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम लोगों ने स्टार्ट किया था सीवीएस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में दो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था, एक जो है ये टॉपिक डिस्कस किया था हार्ट के बारे में, और दूसरा जो है हम लोगों ने डिस्कस किया था सर्कुलेशन के बारे में। आज जो थर्ड टॉपिक है हमारा वो है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के बारे में थोड़ा सा जो है बताते हैं, थोड़ा सा जो है डिस्कशन करते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। ब्लड वेसल्स जो है बॉडी के अंदर जो है थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स आते हैं, एक आर्टरी से, एक वेन है और एक कैपिलरी से। ये आर्टरी वेन और कैपिलरीज सारे बॉडी के अंदर सर्कुलेशन करते हैं। बस ऐसे ब्लड है जो आर्टरीज के जरिए जाते हैं, बस ऐसे ब्लड है जो वेन्स के जरिए जाते हैं, और बस ऐसे ब्लड है जो कैपिलरीज के जरिए जाते हैं। तो आर्टरीज वेन और कैपिलरीज में क्या क्या डिफरेंस है, सबसे पहले डिस्कस करते हैं आर्टरीज के। व्हाट इज आर्टरी, आर्टरीज कौन सी जो है ब्लड वेसल्स है। आर्टरीज के डेफिनेशन ऐसे है कि दोस ब्लड वेसल्स, यहाँ पे लिखा है कि दोस ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। बॉडी के अंदर हर एक वो ब्लड वेसल्स जो ब्लड हार्ट से अवे लेके जाते हैं, जो कैरी करते हैं ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से जो ब्लड लेते हैं और कहीं और जगह में जाते हैं, उस ब्लड वेसल्स को हम लोग कहते हैं आर्टरी। दूसरा डिफिनेशन हम लोग इस तरह करते हैं कि दोस ब्लड वेसल्स विच कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो ब्लड वेसल्स जिसमें जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं उस ब्लड वेसल्स को कहते हैं आर्टरीज। लेकिन अब बॉडी के अंदर एक ऐसी आर्टरीज है जिसमें जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होते हैं, उस आर्टरी का नाम क्या है, उस आर्टरी का नाम है पल्मोनरी आर्टरी। तो यहां पे हम लोग डिफिनेशन किस तरह करेंगे कि दोस ब्लड वेसल्स विच कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, एक ऐसे आर्टरी है जिसमें जो ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, और उस आर्टरी का नाम क्या है पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हार्ट स्ट्रक्चर जो है हम लोगों ने ड्रॉ किया है कि राइट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, सही है। इस
राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड जाते हैं कौन से ब्लड जाते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाते हैं लंग्स में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाते हैं लंग्स में। एक विसस है, उस विसस के जरिए जो ये ब्लड जाते हैं, एक विसस है उस विसस के जरिए ये ब्लड जाते हैं। हम लोग वेन की डिफिनेशन इस तरह करते हैं कि दोस ब्लड विसस विच कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसको विसस को हम लोग कहते हैं वेन। सही है, यहां पे जो है एक विसस है जिसमें जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद है, उसको हम लोग आर्टरी कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी हम लोग इसको कहते हैं। तो व्हाई दिस इज नोन एज पल्मोनरी आर्टरी, बिकॉज यहां पे हम लोग डिफिनेशन करते हैं आर्टरीज के कि दोस ब्लड विसस व्हिच कैरी ब्लड अवे, व्हिच कैरी ब्लड क्या अवे, अवे फ्रॉम द हार्ट, अवे फ्रॉम द हार्ट। हर एक वो ब्लड विसस जो ब्लड जो है यहां हार्ट से लेते हैं और कहीं और जगह में जाते हैं, हर एक वो ब्लड विसस को हम लोग आर्टरीज कहते हैं, उस ब्लड विसस को हम लोग क्या कहते हैं आर्टरीज कहते हैं। तो क्लियर हो गया कि पल्मोनरी आर्टरीज जो है हार्ट से जो ब्लड लेते हैं और जाते हैं लंग्स में, तो अवे फ्रॉम द हार्ट जो ब्लड ट्रांसपोर्ट करते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं पल्मोनरी आर्टरीज इसको कहते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं पल्मोनरी आर्टरीज इसको कहते हैं। क्लियर हो गया। अच्छा जी, ये है पल्मोनरी आर्टरीज। दूसरे को देखें, दूसरे एग्जांपल को देखो, यहां पे जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड जाते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल जब कंट्रैक्ट हो जाएगी तो ये पंप हो जाएगी, तो पंपिंग के दौरान जो ये ब्लड ट्रांसपोर्ट करते हैं इंट्रो एओर्टा में, ये ब्लड किसको देते हैं एओर्टा के जरिए सारे बॉडी में जो स्प्रेड करते हैं, तो एओर्टा के जरिए ब्लड जाते हैं, सही एओर्टा के जरिए ब्लड जाते हैं, तो इसको क्यों जो आर्टिस कहते हैं, क्योंकि ये भी जो ब्लड लेते हैं यहां हार्ट से, हार्ट से ब्लड लेते हैं और सारे बॉडी में जो स्प्रेड करते हैं। दूसरा हम लोगों ने डिफिनेशन क्या किया, दोस ब्लड विसस व्हिच कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी तो क्लियर हो गया। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहां पे एओर्टा में जो ब्लड जाते हैं वो सारा ऑक्सीजनेटेड होते हैं, वो सारा क्या होते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आर्टरीज में जाते हैं, लेकिन एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी के कांसेप्ट मैंने आप लोगों को क्लियर किया। अच्छा जी, सेकंड वन है वेन, के व्हाट इज वेन, वेन की डेफिनेशन किस तरह है कि दोस ब्लड विसस व्हिच ब्रिंग ब्लड बैक टू द हार्ट, हर एक वो ब्लड विसस जो ब्रिंग ब्लड बैक टू द हार्ट, हर एक वो ब्लड विसस जो वापस हार्ट की तरफ जो ब्लड लाते हैं, उस ब्लड विसस को हम लोग कहते हैं वेन्स, उसको हम लोग क्या कहते हैं वेन्स कहते हैं। तो हर एक वो ब्लड विसस जो हार्ट की तरफ जो ब्लड लाते हैं, चाहे वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो चाहे वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो, उस विसस को हम लोग कहते हैं वेन्स। सही है, दूसरा डेफिनेशन, ब्लड विसस व्हिच कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हर एक वो ब्लड विसस जिसमें जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद हो उसको हम लोग कहते हैं वेन्स, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन में जो कौन से ब्लड होते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, पल्मोनरी वेन में कौन से ब्लड होते हैं पल्मोनरी वेन में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं। ये वो वेन है, एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि एक वेन है बॉडी में जिसमें जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद है वो कौन सी वेन है, तो पल्मोनरी वेन है। एक वेन है जिस एक आर्टरी से जिसमें जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद है, उस आर्टरी का नाम क्या है पल्मोनरी आर्टरी, वो कौन सी आर्टरी है पल्मोनरी आर्टरी से, तो ये पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद है और पल्मोनरी वेन में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद है। व्हाई दिस इज नोन एज पल्मोनरी वेन, वेन इसको क्यों कहते हैं, बिकॉज इट ब्रिंग ब्लड बैक टू द हार्ट, इस विसस का काम यह कि लंग्स से जो ब्लड लेते हैं और हार्ट की तरफ जाते हैं, यहां लंग से जो ब्लड कलेक्ट करते हैं और कहां पे ट्रांसपोर्ट करते हैं हार्ट की तरफ ट्रांसपोर्ट करते हैं, जो ब्लड विसस हार्ट की तरफ जो ब्लड लाते हैं व्हिच इज नोन एज वेन, उसको क्या कहते हैं वेन कहते हैं। तो वेन भी क्लियर हो गया। थर्ड वन है कैपिलरीज, कैपिलरीज कौन से ब्लड विसस को कहते हैं, कैपिलरीज ये माइक्रोस्कोपिक विसस व्हिच कनेक्ट आर्टरियोल्स एंड वेन्यूल्स,
microscopic vessels, छोटे छोटे vessels है, small vessels which connect arterioles and venules, जो arterioles और venules दोनों जो है क्या करते हैं, connect करते हैं, सही है? यहाँ पे देखते हैं example को, heart से जो है aorta के जरिए सारे body में blood spread हो जाते हैं, heart से जो है blood spread हो गया, सही है? aorta के जरिए blood निकल गया, जगह जगह में ये तकसीम हो गया, जगह जगह में तकसीम हो गया, सारे बॉडी में स्प्रेड हो गया, हर एक ऑर्गन ने ये एक्सेप्ट किया, हर एक ऑर्गन तक ये ब्लड चला गया, हर एक ऑर्गन में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया, वहां पे जब चला गया तो वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब कंज्यूम हो गया, यूज्ड हो गया, वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वापस कन्वर्ट हो गया इनटू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस जाते हार्ट की तरफ तो किस तरह जाएगी, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कैपिलरीज के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज में आते, आर्टरीज के बाद जो है फिर ये डिवाइड आर्टरीज के आगे जो है डिवाइड हो जाते हैं इनटू आर्टरियोल्स में, और वही आर्टरियोल्स जो है फिर स्मॉल स्मॉल पीसेस उससे निकलते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कैपिलरीज, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैपिलरीज कहते हैं। तो वही जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंज्यूम हुआ है वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब वापस जो है वेन की तरफ जाते हैं, तो किसके थ्रू जाएंगे, ये जो माइक्रोस्कोपिक विसर्स है कैपिलरीज है, इस माइक्रोस्कोपिक विसर्स का काम ये है कि आर्टियोल्स और वेन्यूल्स कनेक्ट करते हैं। लास्ट पॉइंट ऑफ द आर्टरीज एंड स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द वेन जो ये दोनों कनेक्ट करते हैं, ये क्या करते हैं, दोनों कनेक्ट करते हैं, ये दोनों जब कनेक्ट हो जाएगी तो यहां पे जो ब्लड यूज हो गया, जो ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस कन्वर्ट हो गया इनटू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस कैपिलरीज के थ्रू जो है वेन्यूल्स में आ गया, वेन्यूल्स में आ गया, ये हो गया वेन्यूल्स, ये आ गया वेन्स, वेन्यूल्स आ गया, इस वेन्यूल से जो ये फिर जाते हैं वेन में, ये वेन में जाते हैं और वेन के थ्रू जो है फिर इंटीरियर वेन आ गया आईवीसी एंड एसवीसी, आईवीसी एंड एसवीसी के थ्रू जो फिर जाते राइट एट्रियम में जाते हैं। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो यूज हो गया बॉडी में कैपिलरीज के थ्रू जो वापस वेन्यूल्स में जो चला गया, वेन्यूल से आगे वेन में चला गया, वेन से आगे इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा में चला गया, इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा जो कहां पे ड्रेन करते हैं, राइट एट्रियम में जो वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डालते हैं। तो दोस ब्लड वेसल्स व्हिच ब्रिंग ब्लड बैक टू द हार्ट इज कॉल्ड वेन्स, दोस ब्लड वेसल्स व्हिच कैरी अवे फ्रॉम द हार्ट, व्हिच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से जो अवे जो ब्लड लेके जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्टरीज कहते हैं। Those blood vessels which connect arterioles and venules, उस arterioles और venules जो microscopic vessels connect करते, which is called, उसको क्या कहते हैं, capillaries कहते हैं, उसको capillaries कहते हैं। तो आज वाला टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया, ये वाला जो है जो टॉपिक था वो ब्लड वेसल्स के बारे में था। कल हम लोगों ने पढ़ा था जो है सर्कुलेशन, और इससे पहले हम लोगों ने ये सीवीएस की इंट्रोडक्शन और साथ में जो हार्ट के बारे में भी पढ़ा था। इंशाल्लाह कल जो है नेक्स्ट टॉपिक होगी ब्लड वेसल सीवीएस में नेक्स्ट टॉपिक होगी, और इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट जिससे जो है इसके बाद जो फिर हम लोग खत्म करेंगे। अब आज तक जो है जितना भी टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा है सीवीएस में, अगर आप लोगों की कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग जो है कमेंट्स के जरिए जो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।